हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग जो है ना, चेंज होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के इस पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेटस बार, स्टेटस बार पर सेलेक्ट करना है। अब आपको जो है ना स्टेटस बार के इस पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन मेथड का, ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब ये नोटिफिकेशन मेथड का छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको जो है ना तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन आपको तीन में से ना दो ऑप्शन आपको यूज करना है बस खाली, जैसे आइकन का और नंबर का, इन दोनों में से आप जो है ना कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो देखिए मेरा पहले से यहां पर जो है ना आइकन पे सिलेक्टेड है, टिक मार्क लगा है आइकन पे। तो होता क्या है, ये जो आपके मोबाइल फोन के सबसे ऊपर जो स्टेटस बार होता है ना, देखिए टाइम के साइड में आइकन एक शो हो रहा है, सेटिंग का ऐप का आइकन शो हो रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे आइकन के ऑप्शन पे टिक मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ये शो क्यों हो रहा है, अगर आपके मोबाइल फोन पे, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन रिसीव होगा ना, तो उस एप्लीकेशन का आइकन आपको स्टेटस बार में शो होता है जब भी आपका आइकन पे आपका टिक मार्क लगा रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इसे नंबर पे टिक मार्क लगाते हैं, सामने वाले ऑप्शन पे नंबर पे टिक मार्क लगा लेंगे, तो ये सेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी नोटिफिकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपके मोबाइल फोन पे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना, सारे के सारे नोटिफिकेशन की काउंटिंग दिखाई देगी यहाँ पे, टोटल काउंटिंग, चाहे वो 20 नोटिफिकेशन आएंगे तो 20 लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर अभी देखिए एक लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेटस बार में। तो इस तरीके से आप ये नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइकन पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका जो है नंबर पे सिलेक्टेड है, तो अगर आपका आइकन पे सिलेक्टेड है तो आप नंबर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग, ठीक है।